एक देखो एक अच्छा सा प्रॉब्लम है। इस टाइप के प्रॉब्लम हालांकि बहुत बार हम लोग कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, फिर भी हम लोग करते हैं। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक्स मास M1 ग्रेटर है, ठीक है। ये जो मास नीचे आ रहा है M1 वो ज़्यादा है और M2 इसको पुल कर रहा है। तो ये अगर मैं इसका करने का जो तरीका है, फर्स्ट मेथड ये है कि फर्स्ट मेथड क्या होता है लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करने का, मेक द फ्री बॉडी डायग्राम, मेक द इक्वेशंस एंड सॉल्व फॉर अननोन। तो पहले पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ M1 का। ये जो M1 है इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो इस पे M1G तो नीचे लगेगा, इसको मैं M1 मान लिया हूँ, और इस पे टेंशन T ऊपर लगेगा, और ये आ रहा है एक्सलेशन A से नीचे। तो इसका इक्वेशन बना M1G माइनस टेंशन T इज इक्वल टू M1 एक्सलेशन ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो दूसरे वाला जो हॉरिजेंटल वाला ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो। इस पे तो हॉरिजेंटल में एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन टी, वर्टिकल से हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि वर्टिकल में मोशन ही नहीं हो रहा मेरे भाई। तो M2G, तो देयर इज नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसमें वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो वर्टिकल में अगर इसमें कोई मोशन ही नहीं हो रहा है तो मुझे इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है हम, ठीक है। जब वर्टिकल में मोशन नहीं, ये इधर आ रहा है, तो इसका सिंपल सा इक्वेशन बना टी इज इक्वल टू M2A, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कभी कभी यहाँ फ्रिक्शन भी प्रेजेंट रहेगा, तो फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो भी काउंट कर लोगे। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो जो एक्सलेशन आ जाएगा M1G और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास M1 प्लस M2। ये अपना एक लाइन में एक्सलेशन आ गया। अब अगर टेंशन निकालना है तो इस एक्सलेशन को इसमें रख दो, तो टेंशन टी की वैल्यू आ जाएगी, M2 से मल्टीप्लाई कर दो, M1 M2 G डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास M1 प्लस M2, दिस इज द टेंशन टी। तो ये बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया, और इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, इक्वेशन बनाना अननोन के लिए सॉल्व करना। चलो इसी क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से ट्रिक से भी कर सकते हो। क्या ट्रिक था, मैंने क्या बताया था, ठीक है। एक्सलेशन निकालना हो एक लाइन में तो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड मास डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास। तो एक्सलेशन ए इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स। तो फॉरवर्ड फोर्स कौन सा फोर्स है, तो फॉरवर्ड फोर्स अगर देखोगे आप तो ये जो इसको खींच रहा है वो फॉरवर्ड फोर्स होता है, दैट इज M1G, और ये इसको पीछे कोई फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन जीरो है। तो ये जो बैकवर्ड फोर्स है वो अब्सेंट है, जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फॉरवर्ड फोर्स अगर लगाओगे तो M1G बैकवर्ड फोर्स जीरो और समेशन ऑफ मास M1 प्लस M2। तो एक्सलेशन एक लाइन में आ जाएगा M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। याद करो जब फ्रिक्शन पढ़ोगे, ठीक है, ध्यान रखना जब फ्रिक्शन पढ़ोगे तो यहाँ फ्रिक्शन भी रहेगा, तभी भी ये जो ट्रिक है तभी भी ये लगेगा, ठीक है। चलो टेंशन निकालना आसान है, टेंशन निकालना बोलो फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स कौन सा है M1G, तो फॉरवर्ड फोर्स लिखा मैंने M1G, इसमें दूसरे वाले के मास से मल्टीप्लाई किया, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई M2 प्लस साइन बैकवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स है ही नहीं, जीरो है, और समेशन ऑफ मास M1 प्लस M2, ठीक है। तो टेंशन टी की जो वैल्यू आ जाएगी ये वो M1 M2 और मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो बहुत सारे प्रॉब्लम इस ट्रिक से कर सकते हो।